प्राची जो साहब आपके साथ हैं जो कह रहे हैं, दरअसल यही सवाल सबके मन में, जरा इन लोगों से पूछिए, इस बार का चुनाव मोदी जी के लिए आसान है या मुश्किल है? बिल्कुल, ये जो चुनाव इस वक्त है ये कितना आसान है बीजेपी के लिए और कितना मुश्किल है? बीजेपी को कोई मुश्किल नहीं है, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी की 135 सीट आएगी, 135 से बढ़कर आएगी, पर 135 से कम नहीं आएगी। तो मोदी जी के नाम पर हो रहा है चुनाव के विकास पर? दोनों चीज पे, विकास और मोदी दोनों। हाँ, विकास जी और मोदी जी दोनों के साथ। इतना जरूरी था मोदी जी का ये रोड शो करना आपके बीच में? वो तो नहीं करते तो भी भाजपा जीतने वाला था मैडम। मोदी है तो मुमकिन है। क्या विकास हुआ? 370 का राम मंदिर बना, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर लोग हैं जो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और मोदी मोदी के नारे अभी भी लगाए जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है सौरभ वो यहाँ से जा चुका है और अब हालात जो है वो सामान्य कर दिए गए हैं, जो रूट अभी तक बंद था। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शोर को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अहमदाबाद के लोगों में कितना प्यार है। बार बार लोग यहाँ पर आकर हमसे बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से वो कितना प्यार करते हैं और प्रधानमंत्री को देखने के लिए वो यहाँ पर क्यों खड़े हुए थे। और ये तमाम वो भीड़ है जो बार बार हमारे पीछे भी चल रही है सौरभ, और साथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ भी ये भीड़ इसी तरीके से चल रही है। और प्रशासनिक अमले को हम देख रहे थे सौरभ, कि प्रशासनिक अमले को मुश्किल हो रही थी, दोनों तरफ से जो महिलाएं थी उन्हें भी हटाना था, लेकिन उनके प्यार को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना भी था। हाथों में फूल थे और उन फूलों से प्रधानमंत्री का बिल्कुल ये पुलिस के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। पूरी सड़क जाम हो जाती है, उसके बीच में से प्रधानमंत्री के लिए रास्ता भी निकालना है उनकी गाड़ी के लिए, और फिर वहां पर सामान्य भी बाद में स्थिति करनी है। सर, आप देवेंद्र पाराशर के पास हम चलते हैं जहां वो इस वक्त मौजूद हैं। देवेंद्र, बापूनगर में वहां भी भारी तादाद में लोग सड़क के दोनों ओर इस वक्त इकट्ठा है, तेज आवाज में गाने वहां बज रहे थे, ढोल नगाड़े लेकर के लोग पहुंचे हुए थे। भी आपने एक तस्वीर में देखा, एक पूरा परिवार जो है वो डांस कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह कमल हाथ में पकड़े हुए। देवेंद्र, आप जहां पर हैं यहां कितनी देर में पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री? पहले स्पॉट से यहाँ तक आने का जो समय है सौरभ, और तकरीबन उसमें आधा घंटा लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, और उस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले स्पॉट और दोनों के बीच की जो दूरी है लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है होगी। और यहाँ आने के बाद आप यहाँ का पहले माहौल देखें तो ये एक चौराहा है सरदार पटेल की, जहाँ पे स्टैचू है, और चौराहे के चारों तरफ लोग मौजूद हैं, न सिर्फ चौराहे पे बल्कि छतों के ऊपर भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपना जोश दिखा रहे हैं। इसमें निश्चित तौर पे बीजेपी के कार्यकर्ता है जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा बड़ी संख्या है वो यहाँ के सामान्य लोगों की है, सामान्य वोटर्स की है, और वो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति 20 साल से ज्यादा समय तक पोस्ट पे रहा हो, पद पे रहा हो, सार्वजनिक पद पे, उसके बावजूद अगर इस प्रकार की लोकप्रियता है तो वो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी ताकत है, और उसी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए इतने बड़े रोड शो का प्लान किया गया है, जिसके लिए जैसा कि पहले मैं आपको बता रहा था सौरभ कि सुरक्षा एजेंसियों को भी नाकों चने चबाने पड़े हैं इसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी ढांचा देने के लिए। और पिछले 3-4 दिनों में कई सारी बैठकें हुई हैं और उसके बाद सारी चीज़ों को तय किया गया, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हो सकते हैं पुलिस ने पहले ही उन पे अपनी नज़र बना ली थी। और इसके अलावा पूरे रूट को चेक करना, उस गाड़ी को कैसे फुल प्रूफ ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सकता है, हालांकि वो ओपन गाड़ी है लेकिन उसमें भी क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेके कल भी एक बैठक हुई थी, उस गाड़ी का मुआयना किया गया था। तो ये सारी तमाम कवायदें की गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का बंधन स्वीकार्य नहीं होता, और हमने देखा है कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जाते हैं तो अचानक से गाड़ी से निकल के और सीधे सीधे लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। और यहां पर तो सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल सुरक्षा एजेंसियां कई दिन से फॉलो कर लेती हैं, लेकिन जब आप विदेश में होते हैं तो जाहिर तौर पर ऐसा नहीं होता। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पसंद नहीं कि उनके और जनता के बीच कोई रहे, और वो एक जो कनेक्ट है वो हमेशा से उसका वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। और फिलहाल लोग सरदार पटेल के स्टैचू के सामने अलग अलग मुद्रा में, कोई कमल का निशान लिए हुए है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेकार्ड लिए हुए है, कोई अलग अलग बात कह रहा है, और इन सारी चीज़ों के मार्फत बस इंतजार कर रहा है उस नेता का जो कि इस गुजरात विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक बार फिर से बीजेपी के लिए सबसे बड़े ट्रंप कार्ड हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक रॉक स्टार हैं, तो इस प्रकार का अगर माहौल देखें तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिहाज से वैसी ही स्थिति है। और यहाँ पर बीजेपी संगठन के लोग पूरी ताकत लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के हर कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए कोशिश में जुटे रहते हैं। और यहाँ आप देखें तो अभी भी सड़क को पूरी तरीके से ओपन रखा गया है जिससे आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पे आना है तो आम लोगों के लिए इस रूट को बंद कर दिया गया है, बल्कि आप देख सकते हैं कि सड़क पर सामान्य गाड़ियाँ भी जा रही हैं प्रशासन की गाड़ियों के अलावा। और ये इसकी वजह ये रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि किसी भी कार्यक्रम को करें तो जनता को कम से कम परेशानी हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और यहाँ भी इस रोड शो में वो तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चुनाव में इसका कितना असर पड़ना है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सेंट्रल गुजरात के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता हैं, वो अगर रोड शो कर रहे हैं तो उस रोड शो का मैसेज कितना बड़ा है। और हमेशा से प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के अब पॉलिटिकल कैरियर को देखें 2014 से लेकर अब तक, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि रोड शो करना उनका सबसे बड़ा यूएसपी रहा है। आपको याद होगा सौरभ के किस प्रकार से जब बनारस वो नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे, प्रशासन ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि वो रोड शो करें, तो वो अपनी गाड़ी में अंदर ही बैठे रहे थे। और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था कि अगर कोई सभा की जाती उससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ी में बैठ के उस जो रूट को तय किया था उसके मार्फत दे दिया था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपना कम्युनिकेशन स्किल है, उन्हें बखूबी मालूम है कि मैसेज किस प्रकार से देना है, लोगों के बीच किस प्रकार से जाना है, किस जगह पे जाना है। और जैसा कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि आज भी जिन तीन जगहों का चयन किया गया है वो सिर्फ जगह मात्र नहीं है, बल्कि उन महापुरुषों के पीछे जो लिगेसी है, बीजेपी जो दावा करती है अपने पक्ष में, या फिर उन महापुरुषों के सहारे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपोजिशन पे जो आरोप लगाया जाता है उन सारी चीजों को बल देने के लिए इन प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। और जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार इस बार के चुनाव में भी ये बात कही जा रही है, गृहमंत्री अमित शाह को आप सुने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने, बार बार इस बात को कहा जाता है कि किस प्रकार से धारा 370 हटाकर वहाँ पे विकास की बयार बहाई जाती है। तो उस संदर्भ में सरदार पटेल क्या की प्रासंगिकता ऑलरेडी समझ में आ जाती है। कश्मीर को लेकर नेहरू पे लगातार निशाना साधा जाता है। हाल के दिनों में आपने देखा कि किस प्रकार से देश के कानून मंत्री ने किरेन रिजिजू ने बकायदा ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लेते हुए ये बताया कि नेहरू ने कितने ब्लंडर किए कश्मीर के संदर्भ में। और वहाँ पर सरदार पटेल को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि अगर सरदार पटेल की भूमिका कश्मीर के संदर्भ में भी ज़्यादा रही होती तो कश्मीर की समस्या वैसी नहीं होती जैसी कि नेहरू के चलते हुई। और पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को कहा था कि अगर सरदार पटेल की चली होती तो कश्मीर एक समस्या नहीं होती। दूसरी चीज कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर तो हमेशा से 2014 में दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें डीक्लासीफाइड करने के साथ जो सिलसिला शुरू किया था, हर एक साल कुछ ना कुछ वो नेताजी को लेकर करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।